नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 18 मार्च दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी पेपर लीक मामले में आया नया अपडेट। मनरेगा मजदूर बनाएंगे बच्चों के लिए खेल के मैदान और युवाओं के लिए रनिंग ट्रैक। अब रेलवे स्टेशनों पर QR कोड स्कैन करते ही मिलेंगे टिकट। प्रदेश में अधिकतर जगहों पर 19 और 20 मार्च को बारिश की संभावना। इस तरह से किसी भी वाहन के मालिक का लगा सकते हैं पता। इस दिन तक योग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम। पूरे 2 महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर उतरेंगे विराट कोहली। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडिया पेमेंट बैंक में 47 पदों पर निकली भर्ती। एग्जीक्यूटिव के पदों पर इंडिया पेमेंट बैंक द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 47 पदों पर आई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अप्रैल 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.ippbonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन के लिए उम्मीदवारों से ₹700 और आरक्षित उम्मीदवारों से ₹150 लिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बीपीएससी मामले में आया ये अपडेट। बीपीएससी पेपर लीक मामले में खबर लिखे जाने तक आर्थिक अपराध इकाई के कथित पेपर लीक के ठोस सबूत की मांग बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई है। इस संबंध में बीते ही दिन एक प्रेस विज्ञप्ति भी बीपीएससी द्वारा जारी की गई है। इसमें लिखा गया है कि 15 मार्च को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने का आरोप लगाया गया है। 16 मार्च को आर्थिक अपराध एवं साइबर अपराध प्रभाग ने एक जांच रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। ईओयू द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में ये बात सामने आई है कि 15 मार्च को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे परिवा प्रणति के बारे में। परिवा पेशे से एक भारतीय अभिनेत्री हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1983 में बिहार के पटना में हुआ था। इन्होंने कई हिंदी धारावाहिकों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हाल ही में ये हमारी सिस्टर दीदी में अमृता के किरदार में नजर आई थी। फिलहाल ये सोनी सब पर नई पीढ़ी नए किस्से में वंदना वागले का किरदार निभा रही हैं। ये कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं जिसमें प्यार के साथ, दिल्ली, तलाश आदि शामिल है। इसके अलावा ये जिन धारावाहिकों में नजर आई हैं उनमें लौट आओ त्रिशा, बड़ी दूर से आए हैं और खिड़की आदि शामिल है। बीते लोकसभा चुनाव से महिला वोटर्स की बढ़ी संख्या। बिहार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी मतदान के मामले में बढ़ी है। बिहार में भले ही महिला प्रतिनिधि कम हो लेकिन आधी से अधिक आबादी यानी कि 60% का फैसला करने में महिलाएं आगे होती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं का वोट प्रतिशत 26 सीटों पर पुरुष से ज्यादा था। इसमें कटिहार, सुपौल, किशनगंज जैसे क्षेत्र शामिल थे। वहीं 2019 के चुनाव के दौरान प्रदेश के 32 सीटों पर महिलाओं का मतदान अधिक देखा गया। प्रदेश के ये 32 सीट पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद और गया क्षेत्र को छोड़कर शेष सीट थे। महिला वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में महिलाओं की शिक्षा पहले से बेहतर हुई है और वो मतदान को लेकर पहले से काफी जागरूक हुई है। मनरेगा मजदूर बनाएंगे बच्चों के लिए खेल के मैदान और युवाओं के लिए रनिंग ट्रैक। अब बिहार के गाँव के स्कूलों में खेल मैदान, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल के कोर्ट मनरेगा द्वारा बनाए जाएंगे। साथ ही खो खो, कबड्डी और फुटबॉल खेल के मैदान भी तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस और सेना बहाली की तैयारी करने वालों के लिए रनिंग ट्रैक भी बनाए जाएंगे। साथ ही लॉन्ग जंप, हाई जंप की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि पुलिस और सेना बहाली की तैयारी कर रहे युवाओं को परीक्षा के लिए तैयारी के लिए एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इसी साल से मैदान को विकसित करने का काम शुरू हो जाएगा। मनरेगा आयुक्त संजय कुमार ने बताया है कि दूसरे राज्यों की तरह बिहार के गांव में स्कूलों के खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। कई जगहों पर इसका सफल प्रयोग हो चुका है। युवाओं की प्रतिभा को निखारने में ये काफी उपयोगी होगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क तैयारी के लिए इस दिन तक करें आवेदन। मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की देखरेख में संचालित किए जा रहे हैं। इस कोचिंग में दाखिला लेने के लिए आवेदन शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 मार्च है। आवेदनकर्ताओं का चयन इंटरव्यू लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। जिन भी बच्चों का चयन इस कोचिंग के लिए होगा उन्हें हर महीने ₹1000 की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। साथ ही निःशुल्क तैयारी भी करवाई जाएगी। इसके अलावा 2 साल में हर बच्चों को 24,000 की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। इच्छुक विद्यार्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दें कि इस निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदेश के 9 जिलों में दी जाएगी। एक बार फिर से पटना की सड़कों पर नजर आए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ। एक बार फिर से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ पटना की सड़क पर नजर आए। इससे पहले भी आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ कभी पटना की सड़कों पर सब्जी खरीदते तो कभी गोलगप्पे खाते नजर आए थे। इस बार ये फुटपाथ किनारे लगे झोपड़ी नुमा सैलून में बाल दाढ़ी बनवाते नजर आए। आईएएस अधिकारी काले रंग के शर्ट पहने लकड़ी के कुर्सी पर बैठे हुए थे। आपको बता दें कि इस दौरान उनकी तस्वीर किसी ने पीछे से ले ली। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और हर कोई आईएएस अधिकारी के साधारण जीवन शैली को देखकर हैरान है। अब रेलवे स्टेशनों पर QR कोड स्कैन करते ही मिलेंगे टिकट। अक्सर रेल का टिकट लेने के लिए हमें टिकट काउंटर पर लंबे कतार में लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है। ये हमारे लिए काफी झंझट भरा काम भी होता है, लेकिन अब पूर्व मध्य रेलवे ने पटना समेत अन्य पूर्व मध्य रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर पर टिकट लेना पहले से और भी आसान कर दिया है। दरअसल अब महज QR कोड को स्कैन करते ही टिकट आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए फेयर रिपीटर्स लगाए जाएंगे। रेलवे के सुविधा से अब खुले पैसे के लेन देन का भी झंझट नहीं होगा। इसकी शुरुआत पटना जंक्शन से होने जा रही है। इसके बाद होली से पहले और भी कई जंक्शनों पर इस सुविधा को बहाल किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि फेयर रिपीटर्स को दानापुर मंडल के कुछ स्टेशनों पर ट्रायल रन के तौर पर भी शुरुआत की जा चुकी है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे आगम कुआं के बारे में। आगम कुआं पटना में स्थित एक प्राचीन कुआं है जो पुरातात्विक स्थल के रूप में लोगों के बीच प्रसिद्ध है। इस कुएं का संबंध सम्राट अशोक के काल से ही है। यहां पर मां शीतला मंदिर भी है। मंदिर से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं भी लोगों के बीच प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान कुएं का जीर्णोद्वार करवाया गया था। इस कुएं को लेकर सबसे रोचक बात यह है कि इसका पानी कभी भी नहीं सूखता है। बताया जाता है कि ये कुआं पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से जुड़ा है। नीट फॉर्म में सुधार करने के लिए खुले करेक्शन विंडो। वैसे परीक्षार्थी जो नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए जरूरी खबर है। दरअसल यदि नीट के फॉर्म को भरते समय किसी भी प्रकार की गलती हुई है तो करेक्शन करने का मौका आपको दिया जा रहा है। नीट UG के लिए करेक्शन विंडो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आज से खोले जाएंगे। तो यदि आपके फॉर्म में आपको कुछ बदलाव करने हैं तो आप neet.nta.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में करेक्शन 20 मार्च की रात 11:50 तक ही किए जा सकते हैं। इस समय सीमा के खत्म होने के बाद आपको सुधार करने का मौका नहीं मिल पाएगा। इस तरह से किसी भी वाहन मालिक का लगा सकते हैं पता। यदि आपको कोई संदिग्ध वाहन नजर आता है या फिर कोई ऐसी गाड़ी है जो आपका पीछा कर रही है या किसी गाड़ी को लेकर आपको कंप्लेन करना है तो आप उस गाड़ी के मालिक का पता कर सकते हैं। वाहन मालिकों का पता लगाने के लिए आपको कई ऑनलाइन ऐप्स मिल जाएंगे, लेकिन आप चाहें तो परिवहन विभाग की वेबसाइट की मदद से भी वाहन मालिक का पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in/parivahan पर जाना होगा। यहाँ आने के बाद आपको मेनू बार में इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ नो योर व्हीकल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर लॉगिन करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर RC स्टेटस का पेज खुलेगा जिस पर आपको गाड़ी का नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद सर्च वाहन पर क्लिक करने के बाद वाहन मालिक की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। BRA बिहार विश्वविद्यालय से जुड़ी जानकारी अब सोशल मीडिया पर की जाएगी शेयर। अब सोशल मीडिया पर BRA बिहार विश्वविद्यालय की जानकारी विद्यार्थियों को आसानी से मिल जाएगी। दरअसल BRA बिहार विश्वविद्यालय का अब सोशल मीडिया एक्स पर आधिकारिक अकाउंट खुला है। फिलहाल विश्वविद्यालय के इस एक्स अकाउंट पर सीनेट की बैठक और राज्यपाल के भाषण का वीडियो डाला गया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी गतिविधियां सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली जाएंगी। इस संबंध में रजिस्ट्रार प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने बताया है कि इस अकाउंट के माध्यम से पुराने छात्रों से संपर्क कर उन्हें जोड़ा जाएगा। इस दिन तक योग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। पूरे भारत में कुल 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता है। हालांकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल तो पार कर चुकी है लेकिन उनका अब तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है। ऐसे में यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं जिनका अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है तो आपके पास अभी भी 26 मार्च तक का समय है। यदि आप भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो 26 मार्च तक ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से जुड़वा सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट www.eci.nic.in पर जाना होगा। वहीं ऑफलाइन तरीके से नाम जुड़वाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के BLO के पास डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।
पटना में अधिकतर जगहों पर 19 और 20 मार्च को बारिश की संभावना। प्रदेश में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश के विभिन्न जगहों पर 19 और 20 मार्च को बारिश की संभावना जताई गई है। बढ़ते तापमान के बीच हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अधिकतर जगहों पर अधिकतर तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। पुलिस के नाम पर ठगी कर रहे सातिर हुए गिरफ्तार। बीते कुछ दिनों से मुजफ्फरपुर में पुलिस के नाम पर साइबर ठगी का मामला लगातार सामने आ रहा था। ये साइबर ठग लोगों को फोन करके उनके बेटे या परिजन के गिरफ्तार होने की बात कहते और उन्हें डराकर उनके परिजन को सजा देने की बात कहते। साथ ही सजा न देने के बदले में वे पैसों की मांग करते। जब लगातार इस तरह के मामले सामने आने के बाद पुलिस भी चौकन्ना हो गई और इस मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। पुलिस की कार्रवाई के बाद इस मामले में अलग अलग जिलों से करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन साथियों की गिरफ्तारी के बाद इन गिरोह का कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इनके पास से 4 लैपटॉप, 19 बैंक पासबुक, 8 चेकबुक, 17 एटीएम, 13 बैंक ओपनिंग किट और 5 पैन कार्ड समेत और भी कई कागजात बरामद हुए हैं। आज डीएमसीएच और सोवन के प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण करने पहुंचेगी केंद्रीय टीम। आज एम्स निर्माण के मद्देनजर 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम दरभंगा आने वाली है। डीएमसीएच और सोवन के प्रस्तावित स्थलों का केंद्रीय टेक्निकल टीम 19 मार्च तक निरीक्षण करने वाली है। आपको बता दें कि टीम सुटेबल जगह को एम्स निर्माण के लिए चिन्हित करेगी। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 3 सप्ताह के अंदर टीम फाइनल रिपोर्ट सौंप देगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच कार्य के मद्देनजर लेटर जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन को विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही जमीन के कागजात, नक्शा आदि टीम को जिला प्रशासन उपलब्ध करवाए इसके निर्देश भी दिए गए हैं। पकड़ में आए 2 शराब तस्कर के इस तरीके से पुलिस भी हुई हैरान। आगामी चुनाव और होली को लेकर शराब की बड़ी खेप राज्य में कई जगहों से पकड़ में आने की खबर सामने आई है। अब एक बार फिर से शराब तस्कर का ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर पुलिस भी हैरान है। दरअसल ये शराब तस्कर बिहार में प्रवेश करते ही बिहार का नंबर प्लेट लगा लेते हैं और पुलिस को चकमा देने के लिए कई नंबर प्लेट हर 10 किलोमीटर पर बदलते रहते हैं। एक स्कॉर्पियो से करीब 4 लाख तक के अंग्रेजी शराब मद्य निषेध विभाग की पुलिस ने कंकरबाग चिड़ियाटार पुलिस के पास से पकड़ लिए हैं। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले राजद ने चुनाव आयोग से की ये मांग। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रविवार को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान राजद ने चुनाव आयोग के सामने मांग रखी कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए। राजद द्वारा कहा गया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती चाहे पहले हो या बाद में समय बराबर ही लगेगा, इसलिए मतगणना के दौरान सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए। इस संबंध में राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ईवीएम के बाद पोस्टल बैलेट की गिनती से अंतिम परिणाम प्रभावित होने की कई शिकायतें मिली थी, इसलिए मतगणना की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के लिए जरूरी है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो। आपको बता दें कि अन्य राजनीतिक दलों ने भी राजद के इस मांग का समर्थन किया है। राजद द्वारा ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की मांग से आप क्या सहमत हैं? हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तेजस्वी के आरोप पर बीजेपी के सम्राट का पलटवार। अभी हाल में ही राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीपीएससी पेपर लीक मामले में कहा था कि पेपर लीक करवाने वाले नकल माफिया को बचाने के लिए उनके वरिष्ठ मंत्री प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। तब तेजस्वी यादव के इस आरोप के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव का दिमाग खराब हो गया है, ये आरजेडी नहीं है, दिमाग ठीक कर ले, हर चीज की जांच की जा रही है। देश जानता है कि लालू यादव के कार्यकाल में बीपीएससी अध्यक्षों को जेल भेजा जाता था। जो लोग इसमें शामिल है वो युवा नहीं बल्कि अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे पर तेजस्वी यादव ने कही ये बात। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बयान दिया है। दरअसल राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर शामिल होने के लिए मुंबई जाने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में बहुत जल्द सीट बंटवारा होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार अद्भुत और चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा है कि जल्द ही सीट का बंटवारा हो जाएगा और सभी को बता दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर उन्होंने बताया कि वो मुंबई जा रहे हैं। राहुल गांधी ने उन्हें खुद निमंत्रण दिया था, इसलिए वो मुंबई जा रहे हैं।
जदयू ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ विपक्ष पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ एनडीए 400 पार का दावा कर रही है। इसी बीच जदयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल बोलकर ही तो विपक्ष ने अपना ये हाल कर लिया है। देश की जनता तय करेगी किसे आने देना है या ये लोग रोक देंगे। जनता ने तय कर लिया है कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में इंडी गठबंधन दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। पूरे 2 महीने बाद क्रिकेट के मैदान में उतरेंगे विराट कोहली। विराट कोहली अब 17 मार्च को भारत लौट चुके हैं। उनके भारत आने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही हैं। विराट कोहली ने के भारत आने के बाद खबर है कि वो अपने आईपीएल टीम आरसीबी के साथ अभ्यास शुरू करेंगे। आपको बता दें कि अभी हाल में उनके बेटे अकाय का जन्म हुआ था। बेटे के जन्म को लेकर वे क्रिकेट से दूर चल रहे थे। अब पूरे 2 महीने के बाद वो क्रिकेट मैदान में उतरकर अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज दौरान विराट कोहली छुट्टी पर थे। आपके मुताबिक पूरे 2 महीने के ब्रेक के बाद क्या विराट कोहली आईपीएल में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएंगे? हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1801 में भारत में पहले आयुध निर्माण कारखाने की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1938 में भारत के मशहूर अभिनेता शशि कपूर का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने बर्मा के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील भारत मित्तल अमेरिका के विशिष्ट उद्यमी अकेडमी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय बने थे। आज के दिन वर्ष 1914 में भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह का जन्म हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे भारतीय चुनाव आयोग को लेकर किया जा रहे इस दावे के बारे में। चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब ऐसे भी चुनाव आयोग को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग के नाम पर लेटर वायरल हो रहा है जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह के झूठे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग के नाम पर वायरल हो रहा है ये लेटर पूरी तरह से फर्जी है। चुनाव आयोग द्वारा ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए इस तरह की खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर ले। पीआईबी ने भी इसे अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है, जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। मोबाइल यूजर्स ध्यान दें, सिम कार्ड से जुड़े नियम में हो रहेंगे बदलाव। मोबाइल यूजर्स के लिए सिम कार्ड से जुड़े कुछ नियम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई द्वारा जारी किए गए हैं। ट्राई द्वारा जारी किए गए ये नियम देश भर में 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ट्राई के मुताबिक जिन मोबाइल यूजर्स ने अपने सिम कार्ड को स्वैप यानी सिम कार्ड के अदला बदली की है, वो अपने फोन नंबर को पोर्ट नहीं कर पाएंगे। ट्राई के मुताबिक ये कदम फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए हैं। इसका मकसद है फ्रॉड करने वाले लोग सिम स्वैपिंग कर तुरंत मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट ना कर सकें। आपको बता दें कि सिम स्वैपिंग फ्रॉड में लोग पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो आसानी से लेते हैं और मोबाइल खो जाने का बहाना बनाकर नई सिम कार्ड को जारी करवा लेते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 13 मार्च को, ऑप्शन बी है 14 मार्च को, ऑप्शन सी है 15 मार्च को, ऑप्शन डी है 16 मार्च को। इसका सही उत्तर है 16 मार्च को। किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2,890 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है श्रम मंत्रालय ने, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय ने। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है बेंगलोर। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। किसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सीसीएमएस का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है अमित शाह ने, ऑप्शन बी है स्मृति ईरानी ने, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन डी है अरुण गोयल ने।
इसका संयुक्त रहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। बिहार के दूसरे राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है माधव श्री हरिया ने, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी है लालू यादव। इसका सही उत्तर है माधव श्री हरिया ने। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखा दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विनोद महात्मा, नवीन कुमार यादव, अतीक खान, प्रदीप कुमार, रंजित कुमार, आजाद कुमार गुड्डू, मोहम्मद साकिर हुसैन, रेणु कुमारी, कुश कुमार यादव, विजय कुमार, गोनर शर्मा, सादुल्ला पालवी, विनय राज, शोभानंद ठाकुर, राम कुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके अनुसार परीक्षाओं में पेपर लीक मामले को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।